हेलो। हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। और सभी तिब्बतन भाइयों बहनों को, सभी को, दोस्तों को, टस्तले कुंगम सांग कुश दिबू। और मैं बढ़िया हूँ, ठीक ठाक जी। और ये देखो जी, ये होटल का सोने के लिए कंबल। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ, तो कल जो मैंने ब्लॉग जो डाला था आपने देखा होगा, यूरोप से लेकर टर्की तक और टर्की से लेकर काठमांडू नेपाल तक। अब मैं काठमांडू से आपको लेके जाऊंगा। इधर बहुत जगह है, ऐसा जगह जो सेक्रेट जगह है, इम्पोर्टेंट जगह है, जैसे कि योगिनी, इंग्लिश में बोलते ना गॉडेस, ऐसे जगह है। तो वहाँ लेके जाऊँगा आपको, वीडियो शूट करूँगा, आपको दिखाऊँगा। बोता तो सभी जानते होंगे, सभी टिबेटन, नेपाली फ्रेंड, इंडियन फ्रेंड, सभी जानते होंगे काठमांडू जो बोधा, ये बहुत फेमस जगह है, सभी जानते होंगे। तो वैसे भी आपको मैं बोधा भी लेके जाऊँगा और स्वयंभू भी लेके जाऊँगा, जहाँ पर ऊपर जो है कि जो सीढ़ियाँ चढ़ते रहते लंबा है। तो मैं 25 साल हो गया आया नहीं, तो 25 साल के बाद मैं काठमांडू पहुंचा हूँ। तो मैं आज, मुझे बहुत एक्साइटिंग हो रही कि कैसे होगा, बाहर जाते हैं देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरा होटल जहाँ पर मैं बैठा हूँ। ये होटल जो है सिर्फ एक दिन के लिए नेपाली रुपी 1000, पता नहीं कि महंगा है कि सस्ता है, मेरे ख्याल से सस्ता ही होगा, 1000 है एक दिन के लिए। ये मैंने बुकिंग एक हफ्ता पहले फ़ोन किया था, एक दोस्त को कहा था प्लीज़ बुकिंग कर दो। उसने ढूंढ ढूंढ कर, अभी कोविड के टाइम पर उसने 1000 रुपये में एक दिन के लिए होटल मिला। तो आपको थोड़ा होटल दिखाता हूँ। मेरा ये सिंगल बेड है, मैं सिर्फ इधर एक ही बैठता हूँ। तो होटल में सिंगल बेड है नहीं, तो डबल बेड है। तो कहा डबल बेड है तो सिर्फ इसमें आप ही बैठ सकते हो, और दूसरा परमिशन है नहीं। मंडू में ले जाता हूँ बौधा, उसके बाद स्वयंभू, स्वयंभू के बाद अब देखते हैं कहाँ जाते हैं, कौन सी जगह है, कौन सी रास्ता मैं जाता हूँ उधर। तो आपको भी मैं वीडियो शूट करूँगा, आप देखते रहिए, प्लीज़ कंटिन्यू, टेक केयर। और मेरे सभी दोस्तों, टिबेटन दोस्त, इंडियन दोस्त, नेपाली दोस्त, जो भी हो, जो भी मेरे वीडियो चैनल को देखने वाले है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। तो नीचे जो बटन है, ये नीचे है ना, प्लीज़ इधर लाइक बटन, सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, ठोक दो सब्सक्राइब और सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़। तो ये रखते हैं, अलविदा, बाय बाय। हाँ जी, अब हम पहुंच चुका है बोधे, बोधा पर पहुंच चुका हूं। आप देख रहे हो मेरे सामने बोधा, बोधा स्टेचू मेरे सामने है। तो आप ये देख लो, तो यहाँ पर काफ़ी आदमी है, यहाँ पर सभी प्रेयर के लिए चक्कर मार रहा है। तो आप इस सामने दिखा रहा हूँ, ये देखो, तो इस साइड आप देख लो सभी दुकानें हैं। तभी तो जो काठमांडू जो जा चुका है आपको पता ही होगा सभी। तो ये देखो जी, So I'm going to take you, तो आपको मैं सीधा लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ से चलते हैं सीधे, चक्कर इसलिए मारते कि जैसे कि हम लोग, जिस हमारा नेगेटिविटी होता है, जैसे हमने गुनाह किया, हमने पाप किया हुआ है, उसको प्यूरीफाई करने के लिए तो ये चक्कर मारते हैं। सिर्फ सेल्फ और अपना सेल्फ के भी ये नहीं है,
ये ऑल सेंटेंट बींग्स के लिए भी सोचते हैं कि यार सभी इंसान दूसरा लोग के लिए सोचते हैं कि उनको भी दुख ना हो, उनको भी हैप्पीनेस हो, उनको भी खुशी मिले। ये लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं। बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत। तो आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ से चलते हैं अभी। तो मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ, मैं जहाँ पर मैं होटल बैठा हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको उधर लेके जा रहा हूँ। तो ये रास्ता है जो जहाँ पर मैं होटल बैठा हूँ। ये गली का नाम मुझे पता नहीं है वैसे। ये बौद्धा का बिल्कुल स्टेचू के बिल्कुल स्ट्रेट है। वैसे ये गली में अलग है ना, अरे बौद्धा के अंदर है, बौद्धा के ये स्ट्रीट के अंदर है। तो मैं आपको यहाँ ये देखो जी भाई, भाई साहब चप्पल बेचा इधर, आपको यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ जहाँ पर मैं होटल बैठा हूँ। ये रहा होटल, आपको मैं बिल्कुल स्ट्रेट आपको दिखाऊंगा। ये होटल है जम्बाला, चीफ एंड बेस्ट होटल है ये, चीफ एंड बेस्ट होटल। अगर आप जो भी हो, मेरे सब्सक्राइबर हो, जो व्यूअर्स हो, आप, मैं सामने आके आपको दिखाऊंगा जो मेरा जो ऊपर बोर्ड है, जम्बाला वाइट जम्बाला एंड होटल एंड रेस्टोरेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले सुबह दिखाया था कि मैंने होटल अंदर जो है बेड वगैरह दिखा दिया, ये होटल का नाम ही है, टेलीफोन नंबर है, सब कुछ है आपके सामने है। तो हम चलते हैं, देखो कितना खूबसूरत है, इतना बैनर ऊपर है। ये फ्लैग्स है ना, बुद्धिस्ट का फ्लैग लगा हुआ है। तो हम चलते हैं ऊपर। ओके जी, रूम के अंदर चलता हूँ। ये मेरे हाथ में देख रहे हो, ये मेरे हाथ में देख रहे हो, ये इंसेंस है, क्योंकि आप, मैं अंदर बताता हूँ क्या है कि नहीं है। तो ये जो इंसेंस, क्योंकि काफ़ी देर से इस रूम के अंदर जो है ना, रूम तो बहुत बढ़िया है क्योंकि टूरिस्ट बहुत कम है ना, तो रूम बिल्कुल शीशा बंद, सब कुछ बंद। तो कल रात मैंने जब मैं आया था, सोया था, बिना मैंने पहले ही एंटर होते मैंने खिड़की खोला नहीं था, क्योंकि अंदर का जो हवा जो है वो अंदर भी है, तो बिल्कुल उससे कुछ मुझे इसका अंदर जो स्मेल जो है ना, कुछ अजीब सा लगा। तो मैंने इंसेंस लेकर आया था। इंसेंस बहुत महंगा, एक पैकेट लिया था 900, बहुत इंसेंस बहुत महंगा। तो हम इंसेंस को कहीं ऐसी किस जगह रखेंगे, कहीं किसी, आप, मैं सोच रहा इसको रख दूँगा वॉशरूम में रख दूँगा, क्योंकि इधर सभी कपड़ा है, सभी क्लोथ है, तो आग ना लग जाए। अभी बौद्धा इतना ज़्यादा अभी घूमने को टाइम नहीं मिला, क्योंकि जो रूम बुकिंग करने वाला, जो मैं एक दोस्त था, वो कहीं जा रहा था, अभी कोई काम ही कह रहा था, तो फटाफट रूम में आ गया था। उसका कुछ सामान मैंने गिफ्ट लेके आया था, तो मैंने गिफ्ट उसको दे दिया। तो बाद में जब वो फारक हुआ, उसको जब फ्री टाइम मिलेगा तो वो मुझे गाइड करेंगे कहाँ कहाँ जाना है, जहाँ टूरिस्ट की जगह हो, जैसे कि तमिल हो गया, अगर पोखरा हो तो पोखरा जाऊँगा, जब नेपाल आ गया घूमने हर जगह घूमूंगा, बार बार मिलने को आता ही नहीं है, टाइम नहीं मिलता है। तो एक बार आ चुका है तो घूमने ज़रूर लेके जाऊंगा। तो आपको ये जगह का भी आपको बताऊंगा। तो काठमांडू से गया तो काठमांडू कहाँ जा रहा हूँ, वहाँ से कितना प्राइस है, ये आपको मैं सब बताऊंगा। तो मेरा चैनल कंटिन्यू देखते रहिए प्लीज़। हाँ जी, तो मैं अभी आपको लेके आया हूँ, ये बौद्धा के बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है, बौद्धा के बिल्कुल सामने। अब ये देखो, यहाँ पर मोनेस्ट्री, टिबेटन मोनेस्ट्री है, थारलेम, ये रास्ता है, थारलोम मोनेस्ट्री है, बिल्कुल यहाँ से सीधा जाता है। यहाँ पर सभी जैसे बुद्धिस्ट होते, बुद्धिस्ट को जो अल्तार हो गया, अल्तार के ऊपर जैसे कि वाटर ऑफरिंग होता है, बैनर हो गया, फ्लैग्स हो गया, इस तरह का सामान, सभी सामान इसी रास्ते में बेचते हैं। तो आपको दिखा रहा हूँ ये जो रास्ता जा रहा है, सीधा जा रहा है। हाँ, ये जो है,
इस रास्ते का नाम है फूलबरी चौक। तो मैं अभी फूलबरी चौक से सीधा जा रहा हूँ। हाँ जी, तो मैं वापस आ गया, उस रास्ते से वापस आ गया, क्योंकि ऊपर जाने के लिए कोई ख़ास जगह है नहीं। तो मैं आपको यहाँ से ये स्टैचू जो मेरे सामने जो है, तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ, यहाँ से सीधा लेके जा रहा हूँ। तो मैं अभी जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ स्वयंभू जा रहा हूँ। तो हम स्वयंभू चलते हैं, निकलते हैं वहाँ से, यहाँ से देखते हैं टैक्सी जाते हैं या ऑटो रिक्शा पकड़ते हैं यहाँ से, उससे पैसा ज़्यादा सेफ होगा। तो आपने देखा यहाँ एक इंटरेस्टिंग है ये, जो यहाँ से आदमी जो है चक्कर मार के जो यहाँ से ख़त्म होते हैं, तो यहाँ से आदमी जो है ना, यहाँ से उसको प्रे करके चले जाते हैं यहाँ से। ये आप देखा, ये बड़ी खूबसूरत है। तो हम यहाँ से निकलते हैं बाहर। ये देखा कितना बढ़िया खूबसूरत है। ये बोधा का रिंग रोड है। तो अभी मैं तो मेरा दोस्त ने रोक दिया, उसको कह रहा था, उसने दोस्त ने पान खाना है, पान। तो हम अभी पान खाएंगे, पान। ये देखो जी, पान ये देखो पान बना रहा भैया, याद आ गए इंडिया। हल्का सा वो कुछ बात है, हल्का इंडिया डाल रहे ज्यादा का नंबर होता है, वैसे 420 ये मतलब ये नशा होते हैं, नशा। ये तो इलायची है, जैसे खुशबू है ना। बोधा से मिल गया टैक्सी, अब हम जा रहे हैं स्वयंभू। तो नेपाल का स्वयंभू भी जगह एक टूरिस्ट का जगह है, वहाँ पर आप जाना चाहते हैं तो उधर बहुत बड़ा एक बुद्धिस्ट का एक स्टेचू है, और हिंदू का भी है, बुद्धिस्ट का भी, हर कल्चर का उधर आपको उधर मिल जाएगा। तो अभी मैं टैक्सी मिल गया टैक्सी मुझे, तो हमें यहाँ बोधा से हमें 400 नेपाली रुपये में टैक्सी मिल गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो काफ़ी मोटो बाइक है, जैसे कि लग रहा है कि मसूरी और देहरादून का जैसे ही लग रहा है, क्योंकि देहरादून मसूरी में काफ़ी ज़्यादा स्कूटी वगैरह बाइक ज़्यादा है। तो ये नेपाल के रास्ते में भी यहाँ पर ज़्यादा स्कूटर है, आप देख रहे हो ये 125 वाला सीसी वाला जो मोटो बाइक है, यहाँ से छोटी बाइक बड़ी बाइक बहुत है इस रास्ते में। Now we start Tamil Road। अब हम पहुंच चुका है स्वयंभू। ये जो ऊपर दिख रहा है, जो उस पर जो देख रहे हैं, ये स्टैचू। हाँ यार
तो हम पहुंच चुका है स्वयंभू, स्वयंभू पहुंच चुका है। मेरा बैक साइड देख रहे हो, ये जो बुद्धा का स्टेचू और ये देख रहे हो अस्तूपा स्टेचू, वो बैक साइड आप देख रहे हो बुद्धिस्ट का बुद्धा स्टेचू। ये जो जगह जो है काफ़ी मशहूर है स्वयंभू। बोधा से यहाँ आने के लिए मैंने 400 दिया था, बोधा से यहाँ थे टैक्सी 400, 500, 600, 700 भी बोलते हैं, तो 400 में मिल गया। तो उसने कहा था 400 मिल गया, मुझे 400 में बोधा से यहाँ बिल्कुल फ्रंट स्वयंभू में पहुँचा दिया। तो आपको मैं लेके जाऊँगा स्वयंभू। तो यहाँ पर अभी पूजा पाठ हो रहा है, ये बुद्ध गौतम बुद्ध का जो सामने जो है सभी पूजा कर रहे हैं, या एक बुद्धिस्ट मॉन्क भी बैठा हुआ है पूजा कर रहे हैं। तो हम मैं आपको लेके जाऊंगा, कंटिन्यू ऊपर लेके जाऊंगा। तो यहाँ पर देखो बड़ी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर काफ़ी बंदर भी है, बच के रहना है, कहीं मेरा जो हाथ में आकर पकड़ ना ले, सोचेगा कि ये खाने का चीज़ तो नहीं है। तो मैं आपको बंदर दिखा रहा हूँ, ये रहा बंदर। तो आपको कंटिन्यू में ऊपर लेके जा रहा हूँ, यहाँ से काफ़ी स्टेयर है, ऊपर ऊपर जाना पड़ेगा अभी। ओहो यहाँ से तो मैं आपको यहाँ से कंटिन्यू ऊपर लेके जाता हूँ। तो ये साइड में कोई कोकोनट जूस, पानी का बोतल, गोलगप्पा, पानी पूरी बेच रहा है खट्टा। ये गणेश भैया मैं तो थक गया जी। तो ये आप देख रहे हो बंदर, बंदर बजरंग बली, ये देखो जी स्टेचू। तो मैं आपको यहाँ से लेकर जाऊँ, बंदर मेरे पास आ रहा है, कहीं मुझे काट ना दे। तक तो मैं आपको, तो अभी ऊपर पहुंचा नहीं, जब मैं अभी और भी जाना है, स्टेयर काफ़ी स्टेयर है। तो मैं आपको ये
ये जो मेरा बैक साइड है, बैक साइड और जाना है, रास्ता और है, लंबा और है, ऊपर जाना है, ऊपर तक जाना है। तो ये देख रहे हो मेरे सामने जो है ये रास्ता, जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल सीधे जाना है। तो ये जो रास्ता बिल्कुल सीधा ऊपर जाना है, अभी ऊपर अभी चढ़ाए और हार्ड है चढ़ने के लिए। अब मेरा बैग साथ दे रहा, ये बुद्धा का स्टेचू, इधर थोड़ा प्रार्थना करता हूँ। पता है क्या हुआ, जब भी मैंने प्रोस्ट्रेशन किया था उस स्टेचू में मैंने प्रोस्ट्रेशन किया था, अभी ये जो सामने मेरा बैक साइड में जो बुद्धा को मैंने प्रोस्ट्रेशन किया था तो मुझे स्मेल आया था, पीपी का स्मेल आया था। किसी ने किया होगा, जो आदमी नशा होगा रात को इधर आता होगा, कोई आदमी पीपी करके चला जाता होगा नशे टाइम, अच्छा नहीं है ना। चलो हमें तो कोई बात नहीं है, जो करता है खुद गलती, वो गलती तो खुद को निभाना पड़ता है ना। तो मेरा जो एक मैसेज देना था वो ये मैसेज वो आपको दे दिया, जो गुनाह करता है गुनाह वही लेकर जाता है। चलो कोई बात। हाँ जी दोस्तों, तो जो अभी मैं स्वयंभू जो पहुंचा था, सभी जगह अभी जा नहीं सका, मैं कल जाऊंगा क्योंकि रात होने वाला था। तो ऊपर और मंदिर है, तो मंदिर में जाऊंगा, पूजा पाठ करूंगा, कैंडल ऑफरिंग करूंगा, और जगह भी इंटरेस्टिंग है, कल मैं जाऊंगा आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज़ मेरा चैनल को प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। तो सभी दोस्तों इंडियन फ्रेंड, सभी दोस्तों टिबेटन फ्रेंड और सभी को बाय बाय, टेक केयर। हाँ जी प्लीज़ नीचे जो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। तो और वीडियो इंटरेस्टिंग लेके आऊँगा, तो चलते, बाय बाय, टेक केयर।